हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एएलपी एंड टेक्नीशियन क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक स्टार्ट था वो हमारा था परसेंटेज। परसेंटेज में आपने देखा कि हमारे चार पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे पांचों टाइप का आएगा क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे नंबर्स, यानी कि पहला परसेंट फेल होता है और दूसरा परसेंट पास होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो चलते क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत मजा आ जाएगी करने में आपको। एक बार आप कर लीजिए और पेपर में आने ही आना है। क्या लिखा हुआ है? एक विद्यार्थी पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। अब ध्यान से समझिएगा, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो 40% अंक यदि ले आता तो पास हो जाता, उसको 40% अंकों की आवश्यकता है। परसेंटेज में दिया हुआ ये, एक व्यक्ति यानी एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है। भाई 175 अंक वो लेके आ गया और 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो उसको आवश्यकता कितनी है पास होने के लिए? तो आपने तुरंत कहा कि सर 175 अंक तो लेके आ गया, यदि वो 25 अंक और ले आता तो पास हो गया होता। भाई 25 ही अंक से तो फेल हुआ है ना, यानी पास होने के लिए उसको 25 अंक और लाने पड़ते तो वो पास हो जाता। और यही बात ध्यान से समझिएगा, यही बात वो परसेंटेज में कह रहा है 40% लाने के लिए आवश्यकता उतनी है और इसमें भी आवश्यकता वही है कि नहीं, वही बात कह रहा है। यानी कि ध्यान से समझेगा, 175 अंक तो वो लेके आ गया, लेकिन 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 25 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। तो टोटल अंक उसका कितना आना चाहिए था पास होने के लिए? तो आपने तुरंत कह दिया कि 175 + 25, यानी कि 200 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए थे। यानी बाउंड्री लाइन जो थी वो 200 की थी, जिसमें वो 25 अंक लाया नहीं लाया और फेल हो गया था। यदि वो ले आता 200 अंक तो पास हो गया होता। और यही बात वो परसेंटेज में भी कह रहा है कि 40% उसको आवश्यकता है पास होने के लिए। तो क्या होगा, 40% उसको आवश्यकता है पास होने के लिए, और वही बात ये कह रहा है कि 200 अंक वो ले आता तो पास हो गया होता। यानी ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बराबर तो होंगे। मैंने आपको शुरुआत से अभी तक यही बताया था कि कभी भी 100% पे कोई भी चीज ली जाती है, कोई भी चीज 100% पे ली जाती है या तो 100 पे लिया जाता है। अब आप एक बात बताइए, इसको 100% में चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे? जीरो से जीरो काट दोगे, 5 × 20 यानी क्या हो जाएगा 5, यानी कि 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो आप तुरंत कहेंगे 5 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या होगा बताइए? 100% के लिए 2 जीरो इधर लगा दोगे आप, तो 2 जीरो इधर भी आप लगा दोगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो पूर्णांक था वो कितने का था? 500 का। 500 का पूर्णांक था जिसमें कि वो 200 अंक यदि ले आता तो पास हो जाता। वही बात इसने ये भी बोली थी 40% का। क्लियर? यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में पास होने के लिए 20% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 150 अंक लाता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? वो कितना लाया नंबर? 150 अंक लाता है, 150 अंक उसने तो लेके आ गया, लेकिन 50 अंक और ले आता तो पास हो जाता। यानी टोटल पास होने के लिए उसको कितना अंक चाहिए? तो आप तुरंत कह देंगे कि 150 तो लेके आया था और 50 और ले आता तो 200 अंक वो लेके आ जाता तो पास हो जाता। यही चीज वो परसेंटेज में 20% का बात कर रहा है। यदि वो 20% वो ले आता तो पास हो जाता, यानी ये दोनों बराबर हमारे है कि नहीं? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1% बराबर क्या होगा? तो आप तुरंत कह देंगे 10 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या होगा? तो आप तुरंत कह देंगे 2 जीरो इधर लगा दिया सर, तो 2 जीरो इधर भी लगा दीजिए आप, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चले आगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है, एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है वो कि 35% आवश्यकता है उसको पास होने के लिए, लेकिन वो साफ ये कह रहा है कि 40 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 40 अंक ले आता है और 30 अंकों से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो टोटल कितना अंक आ गया, तो आप तुरंत कह देंगे कि 40 प्लस 30 बराबर 70, 70 अंक उसको लाना था। 70 अंक किसके बराबर था, 35% के, यही तो है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 200, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। चलिए फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं, यहां से हल्का सा टाइप चेंज होगा, देखिएगा क्या कह रहा है। एक उम्मीदवार 35% अंक प्राप्त होता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त होता है, तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा। एक बात बताइए, आप और हम हैं, आप और हम हैं, आपको 40% अंक प्राप्त हुए और आप पास भी हो गए, पास होने से आप 10 नंबर ज्यादा ले आए, मैं फेल हो गया, भाई मैं फेल हो गया, मुझे 30% अंक प्राप्त हुए, मुझे 5 अंकों की आवश्यकता और थी, यदि आप मुझे दे देते तो मैं भी पास हो जाता, आप भी पास, हम भी पास, दोनों खुश होते कि नहीं। वही चीज ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार 35% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, 35% अंक उसने प्राप्त किए, यदि वो 5 नंबर और उसको आ जाते तो वो पास हो जाता बेचारा, फेल ही नहीं होता, यानी कि 5 नंबर और आ जाते वो पास हो जाता। दूसरा उम्मीदवार आया, वो 40% अंक प्राप्त करता और 10 अंक ज्यादा है, 40% अंक प्राप्त किया और पास होने से 10 ज्यादा है, यानी उसको लिखो बात ही खत्म, वो तो पास ही हो चुका है, यानी कि 10 नंबर ज्यादा ले आया था। क्लियर, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, यानी क्या हो जाएगा, 5% बराबर ये क्या हो जाएगा, 15, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 15 3, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा, 300, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये देखना होता है कि वो कितने पास हो रहा है, कितना फेल हो रहा है, किसको कौन दे देगा, बस। क्लियर, पांचवा नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त होता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, देखिएगा। पांचवा नंबर क्या कह रहे हैं, 25% अंक प्राप्त होता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, 25% अंक प्राप्त होता है और 30 अंकों से वो फेल हो जाता है। दूसरा उम्मीदवार आता है, वो 50% अंक लाता है और 20 अंक उसको ज्यादा मिले, उसको जरूरत ही नहीं थी, जबकि वो तो पास ही हो चुका था, बस 25% इजकल टू क्या हो जाएगा, 50, ये तो होगा इधर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, यानी 1% बराबर क्या हो जाएगा, 200, यानी 100% क्या हो जाएगा, सॉरी दो जाएगा, 200 कहां, दो होगा यहां, होगा 200, दो जीरो इधर तो दो जीरो इधर भी लग जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा टफ सवाल
नहीं है। चले आगे, चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहा है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अवतीर्ण हुए यानी फेल हो गए और 42% गणित में फेल हो गए। यदि दोनों विषय में 17% फेल रहे तो दोनों विषय में अवतीर्ण परीक्षा का प्रतिशत क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है फेल फेल एक तरफ होता है, पास पास एक तरफ होता है। यानी कि क्या है, यदि फेल दिया हुआ है किसमें दिया है, इंग्लिश में, फिर वो फेल हुआ मैथ्स में, और दोनों मिला के मतलब कुछ बच्चे जो इंग्लिश में ओनली फेल हो गए, कुछ बच्चे थे जो गणित में केवल फेल हो गए, और कुछ बच्चे थे जो इंग्लिश और गणित दोनों में फेल हो गए। यानी कि फेल हो गए किसमें, किसमें, इंग्लिश में भी फेल हो गए और प्लस गणित में भी फेल हो गए। कितना कितना है, तो 52% हमारा क्या है, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, इंग्लिश है ना, हाँ 52% इंग्लिश में फेल हो गए, उसके बाद 42% गणित में फेल हो गए, और दोनों मिलाकर 17% हमारा गणित और इंग्लिश में फेल हो गए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना, पूछे कि ओवरऑल किसमें कितने फेल हो रहे हैं, टोटल कितने फेल हुए, ओवरऑल कितने फेल हुए, तो कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और इसको घटा दिया जाता है बस। यानी इंग्लिश में 52% फेल हुए प्लस 42% आपका किसमें, मैथ्स में फेल हुआ, और दोनों मिला के 17% आपका इंग्लिश प्लस मैथ्स में फेल हो गए। तो टोटल हमारा क्या फेल हो गया, तो टोटल हमने देखा तो फेल हमारा कितना हो गया, 77%, और यही इसका आंसर है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, नो डाउट, चले आगे। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर भी सेम ऐसा ही है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% हिस्ट्री में अवतीर्ण हुए, 42% गणित में अवतीर्ण हुए, यदि दोनों विषय में 17% अवतीर्ण है तो उन दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी तक फेल फेल पूछ रहा था, अब पास का पूछने लगा, तो क्या होगा देखिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42% हिस्ट्री में फेल हो गए, फेल हुए हिस्ट्री में कितना, 42%। मैथ्स की बात आई तो मैथ्स में कितने फेल हो गए, तो मैथ में कितने फेल हुए, 42%, सॉरी ये 52% है, हिस्ट्री में 52% है, 42% हमारा किसमें है, मैथ्स में, और दोनों मिलाकर फेल हो गए किसमें, किसमें, मैथ्स और प्लस हिस्ट्री में कितने, 17%। क्लियर, तो टोटल ओवरऑल फेल होने के कितना हो गए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ये चीज तो मैंने पिछले बता दिया था आपको कि कभी भी हमारा क्या होता है, यदि फेल पूरा है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और माइनस बीच में लगा देंगे, तो कितना जाएगा, 70%। आप जानते हैं कभी भी 100% पे कोई चीज ली जाती है, यानी 100% बच्चे हैं उसमें 70% फेल हो गए तो पास क्या हो जाएगा आपका, 100% है जिसमें से 77% हमारा फेल हो गए तो कितना हो जाएंगे, 23% हमारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं, बस इतने टाइप था इसका। अब नेक्स्ट टाइप में हम दूसरा टाइप देखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे देखेंगे। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतने, थैंक यू।